मिंगी, तुम आ गए। अभी तुम क्या कर रही हो? कौन मैं? मैं सिंचन उपियाजी का हूँ। बहुत बढ़िया। कलीसिया में और क्या समस्या रह गई है? तुम्हारी बहन लीलान के बारे में कुछ बताना है। विश्वासी बनने के बाद चाहे कोई भी समस्या आई हो, मैंने खुद उन सभी का पता लगाया है। क्या तुमने कीमत चुकाई है? क्या तुम सत्य का अनुसरण करती हो? देखो, अगर तुम इसी तरह बातें करती रही तो दूसरे बेबस महसूस करेंगे। अगुआ और उपयाजक मुश्किल खड़ी करने के लिए नहीं बल्कि मदद के लिए तुम्हारी समस्याएं बताते हैं। इसे परमेश्वर की ओर से लो। 6 महीने से सिंचन उपयाजी का होकर भी उसने हमारी समस्याएं हल नहीं की और अक्सर लोगों को फटकारती रही, इसलिए भाई बहन उसके आगे बेबस महसूस करते हैं। मैं बर्खास्तगी से सहमत हूँ। मैं सहमत हूँ। मुझे बताइए, कौन अगुआ और कर्मी अपने कर्तव्य में भ्रष्टता नहीं दिखाता? मेरे अहंकार दिखाने और लोगों को फटकारने पर मुझे बर्खास्त कर दिया गया। क्या वे मुझे दबा नहीं रहे? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें कैसे दबा सकता हूँ? मुझे लगता है तुम सभी झूठे अगुआ और कार्यकर्ता हो। इस तरह की बातें कलीसिया जीवन में रुकावट खड़ी कर रही हैं। चिंतन तो उन्हें करना चाहिए। सबने कई बार तुम्हारे साथ संगति की पर तुमने कोई अफसोस नहीं दिखाया। तुम लोगों की आलोचना करती रही। अगर इसी तरह परेशानी खड़ी करती रही तो यह खतरनाक होगा। लीलैन को सचमुच निकाल दिया गया तो उसका क्या होगा? परमेश्वर हमेशा लोगों को बचाता है, तो क्यों ना हम भी उसे एक आखिरी मौका दें। सभाओं के दौरान लीलैन लगातार परेशानियां खड़ी करती रही। हाँ। बहन हू को परमेश्वर में विश्वास करते ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। वो इतनी परेशान हो गई है कि सभाओं में आना नहीं चाहती। लीलैन का सार कुकर्मी वाला है, ये जानकर भी आपने उसे कलीसिया में रहकर दूसरों को परेशान करने दिया। क्या आप उसे बचाना चाहते हैं? यदि तुम उनके साथ सहज हो जिनसे मैं घृणा करता हूँ और जिनसे मैं असहमत हूँ, और तुम तब भी उनके प्रति प्रेम और निजी भावनाएं रखते हो, तब क्या तुम अवज्ञाकारी नहीं हो? क्या तुम जानबूझकर परमेश्वर का प्रतिरोध नहीं कर रहे हो? मेरा भ्रष्ट स्वभाव स्वच्छ नहीं हुआ था। मैं अभी भी शैतान के प्रभाव से बच नहीं पाया था। मुझे परमेश्वर के न्याय, ताड़ना और दंड की जरूरत थी। आमीन। परमेश्वर के सभी कार्य अद्भुत हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।